आज आपने यहां नमाज अदा की, लेकिन एक वक्त होगा कि आपकी नमाज अदा की जाएगी। यह भी बड़ी खुशी का दिन है कि अल्लाह ने अभी तौबा का दरवाजा खोला रखा। अगर किसी से गलती हुई, किसी भी किस्म की गलती हुई, आपकी आंखें बंद नहीं, अभी आप जमीन के पेट के अंदर नहीं, अभी आप जमीन की पीठ पर हैं, आप तौबा कर सकते। और शबे कदर में मैंने आपसे कहा था कि जितने भी बड़े गुनाह, जितने भी अजीम गुनाह, एक आपकी तौबा, एक लफ्ज आपका, ये अल्लाह माफ कर सकता। और मूसा अलैहि सलाम की वो बात कि कोई आपसे पुकारता है या रब, आप क्या जवाब देते हो? अल्लाह ने कहा लगता है। तो पूछा अगर कोई गुनाहगार शख्स जो बड़ा गुनाहगार हो वो आपको पुकारे या रब, तो अल्लाह ने फरमाया उसे मैं तीन बार जवाब देता हूं, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। कितना अजीम है हमारा रब, कितना रहीम और करीम है हमारा रब। कितने भी हमसे गुनाह हुए हो, हम पलट कर आएंगे अपने रब की तरफ, एक बार भी कह देंगे माफ कर दे या अल्लाह, हमारी गुनाह माफ हो। तो ये खुशियां अल्लाह ताला ने जो हमें अदा की है, इस पर हम जितना भी शुक्र करेंगे अल्लाह का वो काम। रोजे हमें अदा किए अल्लाह ने फरमाया, क्यों? तो सब आप जानते हैं अल्लाह तक तक, ताकि आपके अंदर हमारे अंदर तकवा आ जाए। तकवा क्यों? ये भी आपके जहन में सवाल होगा। हर शख्स सोचता है कि भाई ठीक है रोजा हज किया गया तकवा के लिए, लेकिन क्या जरूरत है तकवा? तो इसका जवाब यह है कि तकवा हर बीमारी का इलाज है, हर मसले का हल, हर मुश्किल का हल है। तमाम परेशानियों, तमाम मसाइल का अगर आप ढूंढेंगे एक एक जवाब, से आप शाह कलीम कहेंगे मास्टर की, जिस ताले पे आप लगाएंगे वो खुल जाएंगे, वो है तकवा। मैं सिर्फ चंद किसान आपके सामने रखूंगा, उसके बाद उनकी धूप है, चिलचिला की धूप है, ज्यादा वक्त आपका नहीं होगा। आज जितने भी मसले हैं, पहला मसला नफरत का, आज हमारे और आपके खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत फैल रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कुछ शर्मपसंद या मुतासिर किस्म की तंजीमें हो, बहुत सारे लोग, सारी दुनिया, मशरिक हो मगरिब हो, यहां हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, नफरत को आम किया जा रहा है। इस तमाम का इलाज क्या है? एक ही इलाज है, वो है तकवा। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह तआला फरमाते हैं आप क्यों घबराते हैं कि वाशिंगटन से आपके खिलाफ नफरत चलाई जा रही है, मशरिक से मगरिब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए आपके खिलाफ नफरत चलाई जा रही है, आप क्यों इससे परेशान हैं? सुनो, अगर आप तकवा इख्तियार करोगे तो फिर अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, और अल्लाह अगर हमसे मोहब्बत करे सारी दुनिया पे हमसे नफरत करे, हमारा कुछ नहीं लेगा, हमारा कुछ भी नहीं नुकसान कर सकता। अगर सिर्फ एक हमारे अंदर एक चीजों एक हथियार हो, वो है तकवा का, जो रोज ने हमारे अंदर पैदा किया। आप सारी दुनिया भी नफरत करेगी तो ये पहला मसला हमारे लिए आज का, जो नफरत काम हमारे खिलाफ की जाए मुख्तलिफ तरीके से। दूसरी चीज जिसका हम आज सामना कर रहे हैं वो महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है। तालीम आज कितनी महंगी हो गई आप सब जानते हैं, इलाज आप करना चाहेंगे कितना महंगा हो गया आप सब जानते हैं, खाने पीने की चीजें, पहनने की चीजें कितनी इसमें महंगाई है वो भी आप जानते हैं। आप इंसाफ हासिल करना चाहेंगे, इंसाफ भी कितना महंगा हो गया। लेकिन इस सब का जवाब, जो भी चीज महंगी हो, पेट्रोल हो, तेल हो, खाने पीने की चीज हो,
खाना पकाने की गैस हो, कोई भी चीज हो, हर चीज पे आग महंगाई है, लेकिन इस सब का इलाज भी तकवा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलव अन्ना अहल कुरा आमनु, कि अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आते वत्तकौ और तकवा इख्तियार करते लफतहना अलैहिम बरकातुन मिन अस्समाई वल अर्ज, तो हम इन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। यानी इब्राहिम ने खिलाते आसमान से भी इनको खिलाते, जमीन से भी इनको खिलाते। वला तिन का जरूर अगर इन्हें झुकलाया फसना हो उसके महल में पकड़ा बेमान मामो यक्ष दो इनके करतूतों के। इससे पहले चंद कौमों का तस्करा किया गया है कि उनके अजाब मैंने क्यों भेजा, उसकी वजह यह बयान की गई कि ईमान और तकवा से वो लोग खाली थे इसलिए उत्तर हुआ था। अगर वो ईमान और तकवा के हथियार से लैस हो सके तो महंगाई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी चीज इन्हें परेशान नहीं कर सकता। तो ये जवाब है इस पूछने हमारे मसले का, जो महंगाई का बहुत ज्यादा है, जिसके लिए हर एक तरसता है कि पूरा खाना उसे नहीं मिलता। कितने लोग हैं जो कुर्बान की जिंदगी बसर करते हैं, कितने लोग हैं जो दो वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। आदाब और शुमार आपके सामने इस वक्त नहीं रखे जाएंगे, काफी वक्त गुजरेगा कि बिलो भाव की लाइन में कितने लोग जिंदगी बसर करते हैं इंडिया में, पूरी दुनिया में, उसका तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज जो मुश्किलात, जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है, मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात, बाप को बेटी के जरिए जो मुश्किलात है, शौहर को बीवी की तरफ से, बीवी को शौहर की तरफ से, कोर्ट कचहरी की मुश्किलात और कर्ज, कर्ज के बोझ देने कितने लोग दबे हुए हैं और बीमारी में किस तरह से जकड़ा है लोगों को। आज के इस दौर में सिर्फ चंद शुगर पेशेंट जो इस वक्त दुनिया में है 42 करोड़ से ज्यादा है और कैंसर पेशेंट 1,70,00,000 से ज्यादा है। बाकी तेजब खुद जान सकते हैं, आज आपके पास आपके हाथ में सब कुछ होते हैं, जब आप जाना जानना चाहें सब आपको मिलेगा कि बीमारियों में किस तरह झगड़ा है। और फिर कैदोबंद की सोबतें, शरीफ हम खा में बंद किए गए लोगों की तादाद कितनी है, उन पर कितना टॉर्चर किया जाता है, कितनी वो परेशानियां हैं, इन सब मुश्किल का हल वो सूरह तलाक आयत नंबर 2 ومن يتق الله يجعل له مخرجا, अल्लाह का ऐलान वाज़े अल्फाज कि जो शख्स अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बता देगा, उसे हर मुश्किल से रिहाई मिलेगी, हर किस्म की मुश्किल जो भी मुश्किल हो उससे उसको बाहर आने का रास्ता, मखरज निकलने का रास्ता बताएगा। इस तरह आप जिस बड़े हाल में जाएंगे निकलने का रास्ता वहां लिखा होगा एग्जिट, निकलने का रास्ता उसे मखरज के अख्तियार देगा। तो हर मुश्किल से निकलने का जो मखरज है, जो ताला खुलता है वो दरवाजे का, वो है तकवा चाबी, एक ही चाबी हो तकवा की चाबी, ये अल्लाह का फरमान है। चौथा मसला जिससे जिससे आज हम दो चार हैं, बहुत ज्यादा बड़ा मसला है, वो है ये कि हमारे खिलाफ साजिशें रचाई जा रही, अच्छी तरह से जहर ये बात रखिए, साजिशें हमारे खिलाफ रचाई जा रही। आप देखिए सिलेबस में किस किस्म से तब्दीली की जा रही है, स्कूल का सिलेबस हो, कॉलेजेस का हो, यूनिवर्सिटीज का हो, सिलेबस में किस किस्म की तब्दीलियां लाई जा रही है, यहाँ साजिशें हो रही है, कारोबार में साजिशें आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की साजिशें रचाई जा रही है। पेंटागन में आपके खिलाफ साजिशें हो रही है, इसराइल में आपके खिलाफ साजिशें हो रही है, फिर तो बस परस तंजीरों के जरिए आपके खिलाफ साजिश हो रही है। हर जगह सारी दुनिया एक हो गई है, यकजा हो गई है आपको मिटाने के लिए, आपके खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ है। और इसका जवाब भी जो अल्लाह ताला ने दिया है कि इसका जो हल एक ही है और वह है तक्वा। सूरह आले इमरान आयत नंबर 120 वरिन तस्तिरू वतत्तकू
کو لا یزرکم قیدہم شیئا، اگر آپ صبر کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو ان کی یہ ساری سازشیں اور یہ ساری چالیں گے، ان کا یہ مت، ان کا یہ فریب، یہ سب اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ان کی سازشیں تمہارا کچھ بھی نہیں جگا سکتی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کیوں گھبراتے ہیں کہ بیٹھا میں آپ یہ سازش ہو رہی ہے، مشرق میں ہو رہی ہے، مغرب میں ہو رہی ہے، فلاں جگہ ہو رہی ہے، فلاں جگہ ہو رہی ہے۔ سنو، اگر تمہارے پاس ایک ہتھیار ہوگا صرف تقوی کا اختیار، تو کسی کی کوئی سازش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کسی قسم کی پریشانی، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، کم کرنے کی بات نہیں۔ لیکن ایک چیز آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، وہ ہے تقوی۔ جب تقوی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا، اس کی مدد شامل حال ہوگی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پانچویں چیز، کچھ مسائل ایسے ہیں، ہر مسئلے کا حل جو اللہ نے بتا دیا ہے تقوی۔ جس قسم کا مسئلہ ہو، آپ کا علاقائی مسئلہ ہو، ملکی مسئلہ ہو، یا بین الاقوامی مسائل، تمام مسائل کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کے اندر بتا دیا ہے۔ تمام مسائل سے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ابھی 50 لاکھ سے زائد انسان اب تک قتل ہو چکے ہیں وہاں پہ، شہید ہو چکے ہیں 1948 سے۔ شام میں کیا ہو رہا ہے، یہ ڈاٹا آپ کے پاس موجود ہوگا۔ عراق میں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، سارے آپ کے پاس ہوں گے اعداد و شمار۔ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، کس انداز سے قتل ہو رہے ہیں، کس انداز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور کتنی پریشانی کا مطلب کیا جا رہا ہے آپ کو یعنی امت مسلمہ کو۔ تو ان تمام مسائل کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، تقوا کے اندر ہے۔ فرمایا ان اللہ مع المتقین، سنو، اگر کوئی اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل کرنے میں سب سانسیں چرا رہے ہیں، جیت چرا رہے ہیں، نہ امریکہ آپ کا سانس دے رہا ہے، نہ چائنا سانس دے رہا ہے، نہ مشرق دے رہا ہے، نہ مغرب دے رہا ہے، کوئی طاقت آپ کا سانس دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ لیکن سنو، کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مع المتقین، اگر تقوی آپ کے ساتھ ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صرف دیکھتا ہوں کون مجھ سے ڈرنے کی ہمت کرتا ہے، کون مائی کلال ہے جو اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار ہوگا، کون ہوا جو اللہ سے دشمنی کو لینے کے لیے تیار ہوگا، کون ہوا جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، اور مقابلہ کرے تو جیت سکتا ہے۔ لہذا آپ کو پریشان ہونے کی، غمگین ہونے کی قدر کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک چیز لازمی ہے اگر وہ آپ کے پاس ہوتی ہو، تقوی۔ اگر تقوی نہیں، پھر دم ہی دم ہے، پھر پریشانی ہی پریشانی ہے، پھر ہر قسم کے ظلم و ستم کے آپ شکار ہوں گے اگر آپ کے پاس تقوی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ قرآن پاک کھولیے، آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے کس چیز کی نصیحت کی، تقوی۔ شعیب علیہ السلام نے تقوی کے بارے میں نصیحت، ہود علیہ السلام نے تقوی کے بارے میں، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء نے تقوی کی تعلیم، خدا خوفی کی تعلیم، خدا کی نافرمانی سے بچنے کی تعلیم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کر۔ آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین، ان سے بھی اللہ نے فرمایا واتقین اللہ، اے نبی کی بیویوں اللہ کا تقوی اختیار کر۔ مومنین سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر۔ دنیا کے تمام انسانوں سے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے تمام انسان، ہندو، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، پارسی، تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ دراصل تقوی ہی ہے جو تمام مسائل کا حل، جو تمام پریشانیوں کا حل۔ اگر تقوی نہیں پھر تو ہم کی مانے ہی کی بات ہے۔ اور تقوی ہے کیا، یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ
एक सच्चा इश्क का नाश्ता किया, खुदा की हुई हिदायत पे अमल कर, जिससे आज हम बहुत दूर हैं। आज हमारे दिलों में नफरत ज्यादा फरमाते, आपके दिल में मोहब्बत आ जाए, ये तकवा की पहचान है कि आपके दिल में मोहब्बत हो। तमाम दुनिया तमाम मजाहब के मानने वाले जितने भी लोग हैं उनसे आपकी मोहब्बत, हिंदू से मोहब्बत, सिख से, बौद्ध से, जैन से, जिस मजहब से कोई ताल्लुक रखता हो या जो खुदा को न मानता हो, अजीश को, उसकी मोहब्बत भी आपके दिल में होनी चाहिए, जब जाकर आप उसे बचा सकते हैं। एक चीज इसका नाम तकवा है, इतिहाद का नाम तकवा है। आपके अंदर इतिहाद हो, मोहब्बत हो, खूबसूरत कलाम आपके पास हो, इस्लाम के बारे में आपसे पूछा गया प्यारे नबी से इस्लाम क्या है, हर इस्लाम, तो आपने फरमाया इब्न कलाम और इब्न कलाम, कि आप मीठा बोल बोले, अच्छा बोल बोले, पुरुष मत बोले, आप किसी का दिल मत दुखाए, आप किसी को गाली मत दे, आप किसी की गीबत मत करे, आप किसी पे बहतान मत लगाए, आप किसी की बुराई मत करे, आप इस्लाम तीबुल कलाम मीठा बोल, जब भी बोलेंगे आप मीठा बोले, हर एक के लिए अच्छा बोले, मीठा बोल आपके पास हो, और तीबुल कलाम एक आलू का सखावत करे, आप गरीब देखे, आप बिना लिहाज मजहब मिला, जो गरीब है हिंदू है मुस्लिम है सिख है उसको खाना खिलाओ, ये तालुक का आम यानी कहा कि मुसलमानों को खिलाओ, जो जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो उसे खाना खिलाओ, उसका पेट खाली है और आप उसे इस्लाम की दावत देते हो, आपकी बात नहीं मानेगा, उसे खाना खिलाओ, वो नंगा है आप उसे कपड़ा पहनाओ, और फिर आपकी बात असर करेगी जब आप उसको बोलेंगे इस्लाम के बारे में। तो दो ही चीजें हैं, तीबुल कलाम व इकामुल काम। आप अपने आप को देखो इस आईने में, आप कहां खड़े हैं, क्या ये दो चीजें आपके पास है? तकवा की एक निशानियां है, जाहिरी निशानियां, जिसके अंदर तकवा होगा बोल उसका मीठा होगा, जिसके अंदर तकवा होगा गरीबों मिस्कीनों सेवाओं की वो देखभाल करता होगा, उन्हें खाना खिलाता होगा, उन्हें कपड़ा पहनाता होगा, और फिर ये चीजें हो जाएगी, फिर आपने वो काम करना जो अजीम काम है। इस चीज के जरिए आप इस दीन को कायम करें, और वो कायम कैसे हो सकता है, जब दोनों चीजें आपके अंदर, और फिर आपके जो गैर मुस्लिम भाई है उन तक अल्लाह का ये पैगाम जो आपके पास पहुंचाया है नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी उन तक पहुंचाना बड़े खूबसूरत तरीके से अच्छे ढंग से ये आप उन तक पहुंचाएंगे, दोनों काम आप करेंगे। अगर आप देखेंगे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ देखेंगे, कितना बेचैन रहते थे वो, इस जो आपके पास नियामत है सब लोगों के पास पहुंचे, और इसका मजा, इस हद का मजा हर शख्स चखे, इसके लिए आप रात भी मेहनत करें। हम तो समझते हमें आराम चाहिए, हम रोजों में भी आराम चाहते हैं, रोजों के बाद भी आराम चाहते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सब कुछ हमें हो, लेकिन अगर प्यारे नबी की आप देखिए सीरत, आप देखेंगे उनका जो पहला रमजान गुजरा वो बदर के मैदान में गुजरा, दूसरा रमजान बहुत के मैदान में, तीसरा रमजान बदरे दौन के मैदान में, चौथा रमजान खंदक के मैदान में, खंदक की खुदाई हो रही थी जबकि खंदक होने वाले थे, पांचवा रमजान ये वो मौका था जब आयशा सिद्दीक का बिन तोहमत लगाई गई और यही देख के परेशान रहे उस दौर में आप, और उस वक्त भी आप मसरूफ थे, और फिर छठा रमजान सोए हो जाए भी आया कि उस दौर में गुजरा, सातवां फतेह मक्का की तैयारी में, और आठवां रमजान आपका तबूक की तैयारी में गुजरा, आप मुसलसल अल्लाह के दीन को तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए बरसाते रमजान हो या गहरे रमजान हो, आप हर वक्त बेचैन रहते थे, थे, थे उसके बाद तब इस्तेमाल करना पड़ता है, और तब इस्तेमाल करते थे दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, उसके बाद उस जालिम को हटाने के लिए उसकी जगह मजलूम की दाद रसी करने, परेशान हाल की दाद रसी करने, आपने हर वक्त कमरे कमर बस किसी आप हमेशा मसरूफ है, आप और हम भी उम्मत की है जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम भी उम्मत की है तो हम इस दीन को कायम करने के लिए सही मानों में इसके दुनिया के सामने पेश करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है तकरीब दीन खुदा का सफर तक, अल्लाह ने आप पे फर्ज आयद किया है कि आप इस दीन को कायम करना है, और एक जगह फरमाया या अय्युहन्नास आमनू बिल्लाह फकूनू मअस्सादिकीन,
ईमान वालों अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो और उसके बाद घर बैठ जाओ, नहीं उसके बाद दोनों आसासी सच्चों के साथ हो जाओ ताकि आप सारी दुनिया को अमन राहत दे सको। वैसे मुमकिन है जब दीन का तलबा करेंगे, इसको कायम करेंगे, हर एक को इंसाफ मिलेगा, अमन मिलेगा, चैन मिलेगा। ये आपकी ये हम सब की जिम्मेदारी है। आज जो अल्लाह ताला आपको खुशखबरी सुनाता है कि खुश हो जाओ, तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ऐसा ना हो कि आज के बाद आप फिर वही करें, मस्जिदें ध्यान में ढूंढने लगे और हम न मिले, कुरान हमें ढूंढे हम न मिले, ना हमें कुरान पढ़ने की फुर्सत हो, ना मस्जिद जाने की फुर्सत हो, कि बड़ी बदबख्ती होगी, यही ना इंसाफ से होगी। आइए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हम सब को तौफीक अता फरमाए कि हम वाकई इस रमजान से हासिल किए हो, इस रमजान के जरिए जो हमने हासिल किया है तकवा, इस तकवा को सही इस्तेमाल करें, इस तकवा को अपने एक एक अंग पे इम्प्लीमेंट करके उसके बाद इस कस्बा की जिंदगी तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik 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 wa bar